नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवा कर नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल दिल्ली में अब नई गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल और प्राइवेट दोनों तरह के वाहनों पर छूट का ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं कि नए वाहन पर आपको कितनी छूट मिलेगी और कैसे मिलेगी। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को रोड टैक्स में रियायत की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब ये फाइल अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजी गई है। उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ ही इस प्रस्ताव को दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली में ऐसे पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पाबंदी है। ऐसे वाहनों की संख्या 35 लाख से अधिक है। वाहन मालिकों को ये छूट तभी मिलेगी जब दिल्ली सरकार के रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर में पुराने वाहन की स्क्रैपिंग करवाने पर सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट पेश किया जाएगा। नए प्राइवेट व्हीकल्स की कीमत और ईंधन के प्रकार के आधार पर ही रोड टैक्स में 8-25% तक की छूट मिलेगी और कमर्शियल गाड़ियों पर 15% तक रोड टैक्स में छूट देने का प्रावधान रखा गया है। प्रस्ताव में ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये छूट उन्हीं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के मालिकों को मिलेगी जिन्होंने 8 साल के अंदर अपने वाहनों को स्क्रैप करवाकर उसका सर्टिफिकेट ले लिया है। वहीं प्राइवेट व्हीकल्स के मामले में 15 साल तक के वाहनों को ये छूट दी जाएगी। इस अवधि के बाद अगर आप वाहनों को स्क्रैप करवाते हैं तो दिल्ली में मोटर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली में 7 से अधिक वाहन स्क्रैपिंग एजेंसियां हैं जो वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग करवाने पर उसका अलग से पैसा भी देगी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।